बनाने जा रहे हैं और कैपेसिटर बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए और मटेरियल में उनकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। तो उन कौन से मटेरियल लगेंगे, या तो कंडक्टर लगेगा या इंसुलेटर लगेगा, डायलेक्ट्रिक लगेगा। तो हम कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं जो हेल्प करेंगी हमें कैपेसिटर बनाने के लिए। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हमने पहले भी की हुई हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि अगर आप एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो कंडक्टर के इनसाइड ई क्या आएगा, जीरो। कंडक्टर के अंदर ई हमेशा क्या पाया जाएगा, जीरो। ये हमने कई बार डिस्कस किया, ठीक है। हमें मालूम ही है कंडक्टर के अंदर ना तो चार्ज पे करता है ना ई होता है, ऐसे किया। अब इसको समझाने के लिए एक और एक्सप्लेनेशन है। जैसे सपोज करो ये आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने कंडक्टर को रख दिया, ये आपने कंडक्टर को रख दिया, ठीक। अब क्या हुआ इसमें, इसमें इंडक्शन हुई, इंडक्शन से इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो गए और यहां पर क्या हो गई, डेफिशिएंसी। इंडक्शन ये होता है ना, एक तरफ इलेक्ट्रॉन खींच गए और एक तरफ डेफिशिएंसी हो गई। और इंडक्शन की एक और प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि अगर ये क्यू चार्ज है तो सेम चार्ज माइनस क्यू है, सेम चार्ज प्लस क्यू है, सेम चार्ज माइनस क्यू है। इंडक्शन में चार्ज हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट ही जनरेट होता है, ये भी क्लियर है डाउट इसमें। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस एंड ये, ठीक। कोई स्टूडेंट बोला सर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये लिखो इंड्यूस चार्जेस की वजह से ऑपोजिट। तो अंदर कोई स्टूडेंट अगर इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है, आई इंड्यूस्ड या ई इंड्यूस्ड, तो एक चीज समझ ले कि बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया था, जब कंडक्टर नहीं था तो बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है ऐसे था। अगर कंडक्टर ना होता तो हर जगह क्या फील्ड होता, ई एक्सटर्नल। बट कंडक्टर के अंदर इंडक्शन की वजह से उल्टा फील्ड जनरेट हो गया, ई इंड्यूस्ड। कंडक्टर के अंदर ई नेट फील्ड क्या आ गया, एक्सटर्नल फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। और कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, इसलिए इसका आंसर अंदर क्या आ जाता है, जीरो। अब ये बोल सकते हैं बाहर का एक्सटर्नल फील्ड और अंदर का इंड्यूस फील्ड आपस में क्या कर जाता है, कैंसल, नेट ई की वैल्यू क्या हो जाती है कंडक्टर के अंदर, जीरो। क्या स्टेप क्लियर है? तो वैसे तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि नेट ई जीरो होता है, हम सीधे ही बोल सकते हैं, पर ये भी ठीक है कि दोनों फील्ड आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसल, तो नेट ई क्या जाएगा, क्लियर है आदम। ये सेकंड एक्सप्लेनेशन है, वैसे रिक्वायरमेंट ही है, वैसे हमें मालूम ही है कि नेट ई जीरो होता है, इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है आदम। सेकेंड प्रॉपर्टी है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर के बाहर, सॉरी, नेट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो पता ही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा कंडक्टर की सरफेस के साथ 90 डिग्री पे ही ओरिजिनेट होती है, ये मालूम है। नेक्स्ट है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो एंड एक्सेस चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज दे दो, उसके अंदर कभी भी चार्ज स्टे नहीं करेगा, चार्ज हमेशा कहां पर आ जाएगा, उसके आउटर सरफेस। ये भी क्लियर है, ये प्रॉपर्टी मालूम है। नेक्स्ट है किसी भी कंडक्टर के अंदर ई क्या होता है, जीरो। ई क्या होता है, डी बाय डी आर। अगर ई जीरो है तो वी इज अ कांस्टेंट। ये शेल के अंदर भी हमने किया, किसी भी शेल के अंदर ई जीरो है और वी क्या है, कांस्टेंट। तो सिर्फ शेल के लिए वैलिड नहीं है, किसी भी कंडक्टर के लिए वैलिड है। फॉर एनी कंडक्टर ई, सॉरी, ई इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो और वी की वैल्यू इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और कितनी, जितनी उसकी सरफेस के। तो याद रखना कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप में होगा, पोटेंशियल की वैल्यू अंदर और बाहर सरफेस पे सेम रहेगी, इसीलिए किसी भी कंडक्टर को बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
कोई भी कंडक्टर होगा इट विल एक्ट लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होगी सेम, याद रहेगा यहां तक। सो ये प्रॉपर्टी भी हमें आती है, ये भी प्रॉपर्टी हमने की हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बाहर अगर निकाली जाए तो उसका फॉर्मूला क्या आता था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, एन कैप का मतलब परपेंडिकुलर होती है ये टी की वैल्यू। हमने प्रूव किया था कि कंडक्टर के बाहर प्रूव करो ई का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी की हुई है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर, एक कंडक्टर लो अंदर खाली जगह बना दो, कैविटी शेल की तरह, शेल अंदर से खाली है, शेल के अंदर ई क्या होता था जीरो, कैविटी के अंदर भी ई क्या होगा जीरो, और जहां ई जीरो है वहां ई क्या होता है, तो क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस देंगे, अंदर चार टिकेगा नहीं, चार सारा बाहर आ जाएगा तो अंदर ई ऑब्वियसली क्या हो जाएगा फिर से, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर ई जीरो होगा, चाहे कैविटी हो वहां भी जीरो होगा, और वी क्या होगा कॉन्स्टेंट, ये भी रूल क्लियर है। नेक्स्ट है